सिर्फ यह है कि वक्त पे सही वक्त पे सब्जी, जैसे सब्जी लगाने का पालक का सम टाइम आ गया है बीज, तो सही वक्त पे हाई यील्डिंग वैरायटी इंप्रूव वैरायटीज हैं अच्छी, जो हमारे डिपार्टमेंट से अगर कोई लेना चाहे तो पानी, अगर उस नाले से पानी लेकर या पानी कहीं चश्मा है वहाँ से घर तक लेना चाहे, उसके लिए भी सब्सिडी डिपार्टमेंट दे रहा है। कोई भी कंपोनेंट, कोई भी खेती बाड़ी वाला जो काम काज है उसमें हमारा डिपार्टमेंट 50% सब्सिडी दे रहा है। लेकिन यह है कि काम होना चाहिए इस तरह। हमारे डिपार्टमेंट जितनी हमारी बहनें बैठी हैं ये एक यूनिट खोल सकती हैं, बहुत अच्छा यूनिट, जो कैनिंग प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम अचार डालते हैं। डॉक्टर शहनाज खानी साहब, यकीनी तौर पर मैं जब भी कि मेरे गांव की एक बच्ची जिसने हमारे इलाके को खवातीन के तौर पर पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान दी, मैं किसी की तारीफ नहीं करता, लेकिन इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके सामने आज मेरे यहाँ की वो बच्चियाँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, जिन्होंने आगे चलना है और मुस्तकबिल में कम से कम इनके जैसा बनने की कोशिश कर रही है। तो मैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से चलने से पहले, क्योंकि पानी बचाओ पर इस आज का ये खुतबा जो मैंने देना है, आप इंशाल्लाह बेहतरीन खिताब मेरे भाई शमीम साहब से सुनेंगे और बहन डॉक्टर साहिबा से सुनेंगे। मैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के मुतालिक आपको चंद बातें बताऊंगा। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हज़ारों साल का अफसाना लिखता है, बशीर बद्र ने कहा है अपने शेर के लिए, एक शेर के। उन्होंने यहाँ इस जगह पे आके इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मैं डॉक्टर साहिबा का तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम बहनों के लिए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने यहाँ पे हमारे लिए टाइम निकाला, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के वो हमारे लिए यहाँ पे आए। हम बहुत ही खुश हैं और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैम से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके उतना हमारे साथ सपोर्ट करें, उम्मीद की लड़कियों के साथ, क्योंकि हमें ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है लड़कियों को बाहर आने का। क्योंकि खास सिर्फ यह है कि वक्त पे सही वक्त पे सब्जी, जैसे सब्जी लगाने का पालक का सम टाइम आ गया है बीज, तो सही वक्त पे हाई यील्डिंग वैरायटी इंप्रूव वैरायटीज हैं अच्छी, जो हमारे डिपार्टमेंट से अगर कोई लेना चाहे तो पानी, अगर उस नाले से पानी लेकर या पानी कहीं चश्मा है वहाँ से घर तक लेना चाहे, उसके लिए भी सब्सिडी डिपार्टमेंट दे रहा है। कोई भी कंपोनेंट, कोई भी खेती बाड़ी वाला जो काम काज है उसमें हमारा डिपार्टमेंट 50% सब्सिडी दे रहा है। लेकिन यह है कि काम होना चाहिए इस तरह। हमारे डिपार्टमेंट जितनी हमारी बहनें बैठी हैं ये एक यूनिट खोल सकती हैं, बहुत अच्छा यूनिट, जो कैनिंग प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम अचार डालते हैं और ये अपने लाइवलीहुड्स के लिए आता है। इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं, इतना बड़ा तो कोई लाइफ तक मैंने देखा है, छोटे मोटे घर में किसी ने डेयरी रखी है या शॉप, ज़्यादातर लोग जो टेम्पूज वगैरह अपने किसी हस्बैंड को या ब्रदर को लेके दे देते हैं। सारी इनकी ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं अलग अलग डिफेंस, इनके साथ भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग हुई हैं। अभी हम एक और ट्रेनिंग जो इसके लिए डेयरी के लिए, उसके बाद हम अभी हमारे तो सबसे पहले हमारा ये स्टार्ट हो गया 2016 में, जिसके तहत आज तक हमारे पास 600 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। जो अस्ट्रेल ब्लॉक है हमारा मंडी, उसमें इंक्लूडिंग सातरा, नोरन और मंडी तीनों आते हैं, उसमें हमारे 5 क्लस्टर हैं और 5 क्लस्टर में 55 जो 55 वीओ है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 टायर इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर है हमारा। पहले SHG है, उसके बाद 10 SHG को मिला के वीओ बनता है और 10 SHG को मिला के उसके बाद 10 VO को मिला के एक CLF बनता है। तो इस तरीके से जो हमारे साथ ये हमारी बहनें जुड़ी हैं, इनको कैपिटलाइजेशन के लिए मिशन से भी पैसा मिल, जो लाइवलीहुड जनरेट करती हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके बाद हम इन्हें बैंक से भी जोड़ते हैं, जो एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन भी मिलता है और ये लोन कोलेट्रल फ्री होता है, जो 10 लाख तक जाता है। अब इन पे डिपेंड करता है कि ये कितना उसको तो इसलिए होता है कि हम लोटे का पानी उसमें आया है कि हमारे यहाँ नल खुला रहता है, पानी गिरता रहता है, मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है हमारा। तो ये जो इंटीग्रेटेड
बनाते हैं, ये जो नाले हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ग्रीन साइडों से बंद पानी निकलाते हैं। जो वाटर शेड है इसमें क्या करते हैं, हमारे एक जाते हैं धान सभा करने के बाद, फिर एक चेयरमैन बनाया जाता है, फैसला करती है कि हमें तालाब बनाने हैं। जो प्रोजेक्ट हमने कम्प्लीट किए हैं मुकम्मल किए हैं, और क्योंकि काम रह गए थे अब उनको एक साल के, और उसमें मेम्बरान जो हैं आपके इलाके से ही लोग हमें बताते हैं कि हमने क्या काम। आप जो छाता पहले हम ऊपर की तरफ लेकर चलते थे पानी गिराने के लिए, और से दोस्त पसंद आए हैं कुछ साथ में, जिसके मेरे भाई खड़े हैं, मेरे भाई बहन बैठी हैं जिनका नाम नहीं पता, और मेरे सामने मेरी बहन है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। नाम को रोशन करने के लिए काम कीजिए, और आखिरी सपना लेकर रखा है, और उस नरेंद्र मोदी जी उन्होंने लॉन्च की है स्कीम कि आप वाटर को कंजर्व कीजिए, आप रेन वाटर को लॉस नहीं होने दीजिए बल्कि उसको इकट्ठा कीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे टैंक बनाइए, ऐसा हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप कीजिए कि आने वाले वक्त में हमारे ग्राउंड वाटर जो आप देखते हैं ना, आपने वो लगा के रखे हैं हैंडपम्प और पानी निकल के आ रहा है, आप कह रहे हैं तो वो पानी हमारा कम हो रहा है, उस पानी को बचाने के लिए हमको ये सारा करना है। क्योंकि ये सब बोल चुके हैं तो मैं वाटर के बारे में बोलूँगा नहीं ज़्यादा, मैं सिर्फ आपको, क्योंकि देखिए मैंने हमारी बहनें बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ कहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए ना आपको कोई कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, किसी पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, करने के लिए आपको एक जज्बे की ज़रूरत है। दोस्तों जब आप कुछ काम करोगे ना, जब आप काम करोगे तो आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे जंगल, बहुत सारी दीवारें, बहुत सारे रास्ते खराब करके रख दिए जाएंगे ताकि आप उधर जाने की हिम्मत ना कर सकें। तो मेरा मानना यही है कि मलाई में जमी हुई, चाय पे जमी हुई मलाई को जिस तरह हम उठा के फेंक के चाय पी लेते हैं, इसी तरह से हमको हमारी मंजिल के बीच में आने वाली परेशानियों को ज़ोर से लात मार के उसको साइड करके हमको अपनी मंजिल की तरफ निकल जाना चाहिए। आप जब कोई काम करोगे ना तो लोग कहेंगे कि नहीं